वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरीमीटर एंड एरिया का जो चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और हम किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल का, वो भी हम देख चुके हैं। तो चाहे तो आप वो वीडियोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उनको देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A gardener wants to fence a circular garden. तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर, वो पहले अंडरलाइन कर लें ताकि आपका फोकस बना रहे क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के समय। एटलीस्ट 2 या 3 बार एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। A gardener wants to fence a circular garden. तो यहाँ पे फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फेंसिंग कर रहा है और सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। और डायमीटर कितना है उसका? 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, ठीक है। 2 राउंड उसने फेंसिंग करनी है। जरा इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, सर्कुलर गार्डन है, उसके आसपास उसने क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे दीवार लगानी है रस्सी के साथ। अब रस्सी और एक ऊपर से इसने ऐसे करके लगानी है, बड़ा नहीं करना, ऊपर लगानी है। तो ये 3D में समझ नहीं आ रहा। तो अगर इस तरीके से और एक ऊपर लगानी है तो 2 राउंड लगाने हैं। तो मैं पहले 1 राउंड का निकाल लूं। अगर मैं फेंसिंग कर रहा हूं आसपास, तो मैं उसके केस में क्या निकालूंगा? यस, वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस। हम इस केस में इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। आगे बोले ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब और एक क्वेश्चन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहां तक पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हमने सॉल्यूशन में जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना है? 21 मीटर। अब मुझे समझ में आता है, फेंसिंग पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि इसके इसमें हमें क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस। तो मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकालता हूँ, 2πr। ओहो, 2πr। देखो एक तो तरीका है, 2πr को आप क्या नंबर दो, πd भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे इसको πd भी लिखते हैं। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, तो 2r होता है। दूसरे तरीके से बच्चे करते हैं, r निकाल लेते हैं, डायमीटर अपॉन 2। तो r की जो वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई 21/2। कुछ बच्चे वैसे करते हैं। तो दोनों तरीके हैं, मैं दोनों तरीके यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका तरीका यहाँ पे कर देता हूँ, इसका तरीका यहाँ पे कर देता हूँ। πd, पाई क्या है? 22/7। अब मुझे कैसे पता पाई की वैल्यू? उन्होंने बोला टेक लो पाई की वैल्यू 22/7। अब कुछ नहीं बोलते थे हम, कुछ भी ले सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। तो डायमीटर कितना है? 21। यहां पर गया 3, आंसर आ गया 66 मीटर, मीटर में है। अगर कुछ बच्चे इससे करना चाहे तो भी आंसर सेम ही आएगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 21/2, ठीक है। 7 या 3 या 2 से 2 कट गया, तो 66 मीटर। आपको जो तरीका समझ में आए, जो तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे उसने बोला था 2 राउंड ऑफ फेंसेस, ठीक है। ये तो 1 राउंड हो गया, तो 2 राउंड ऑफ फेंसेस में हम क्या कर देंगे? मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ चीजों को। देयरफॉर रोप रिक्वायर्ड फॉर 2 राउंड। देखो ये तो 1 राउंड का हो गया, तो 2 राउंड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 12 और ये 13। तो 132 मीटर लंबी रोप हमें चाहिए। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन ने बोला था ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट इफ इट कॉस्ट 4 per meter square। तो कॉस्ट ऑफ 1 meter इज 1 meter था, स्क्वायर में रुपीज 4। देखो 1 meter 4 रुपए का, 2 meter 8 रुपए का, 3 meter 12 रुपए का, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 132 meter कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रुपीज 4 × 132, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 8
12,582 rupees ये आपका आंसर। तो यहां पर आपका ये आंसर दोनों दोनों हो गए। कैसा लगा आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।